हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार ऊझा है। चलिए चलते हैं, आज बनाते हैं बनाना से कैसे आइसक्रीम बनाते हैं। चल के आपको मैं बताता हूँ। ये हमारी आज की रेसिपी है, हाउ टू मेक बनाना आइसक्रीम। सबसे पहले हम ये बनाना ले लेंगे, 3 बनाना ले लेंगे, और इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है लगभग 2 चम्मच सूखा मिल्क पाउडर। अगर सूखा मिल्क पाउडर का आपके पास नहीं है तो आप ताज़ा मिल्क भी यूज कर सकते हो, जैसे कि टोन मिल्क हो गया, फुल क्रीम हो गया। मात्र सिर्फ आधा कप ले लीजिए। सबसे पहले आप दूध डालिए, जैसे मैंने सूखा पाउडर वाला दूध डाला है, मिल्क पाउडर डाला है मैंने, आप ताज़ा दूध भी यूज कर सकते हो, डाल सकते हो। उसके बाद आप बनाना को डालिए और इसको अच्छी तरह, मिक्सर ग्राइंडर है आपके पास तो मिक्सर ग्राइंडर आप यूज़ कर सकते हो, उसको उसको मैश कर लीजिए पूरा। मैश करने के बाद पूरा आपको इस तरह के, मैं आपको करके बताता हूँ, पूरा मैश करना है ताकि इसमें मिक्स हो जाए। पूरा इस तरह से मिक्स करना है ताकि मैश हो जाए, और इसको पूरा इसको बराबर तरीके से मिक्स करते जाओ। वेल, मैं मिक्सर ग्राइंडर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अपने हाथ से बनाने में बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं। कई बार खासकर मशीन का अपना टेस्ट है और अपने हाथ का कुछ अपना टेस्ट है। इसमें भले ज़रा टाइम लगेगा ज़रूर, और अपने हिसाब से आप मैश करोगे। और मिक्सी ग्राइंडर में क्या होगा, इसमें एक बार डाल दिया और 1 सेकंड में आपको मिल्क पाउडर, ये शेक जैसे बनाते हैं मिल्क शेक, आपका तैयार हो जाएगा। इसको शेक की तरह बनाना पूरा, ताकि इसकी पूरी कंप्लीट जो बनाना है इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए, यानी कि फुल कंप्लीट हो जाए। और इसको बढ़िया से बनाने के लिए आप कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। कस्टर्ड पाउडर यूज़ नहीं करते हो तो मिल्क पाउडर बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर और कुछ यूज़ करना तरीका, आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हो, पर पानी से है ना कि थोड़ा ये पतला बन जाएगा। प्रॉपर जो आइसक्रीम का फ्लेवर है ना, वो बनाना शेक क्योंकि बनाना के अंदर जो है ना, ये प्रॉपर जो है बनाना, इसमें पानी होता है बनाने के अंदर, इसमें पानी की हमने डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें मैंने पानी भी यूज नहीं करा, सिर्फ एक बनाना सही है। देखो ये लिक्विड जैसा ये तैयार हो गया कंप्लीट, ये बनाना आइसक्रीम तैयार हो गई है। कल जो बहुत स्वादिष्ट टेस्ट में है, हमारी आइसक्रीम तैयार होगी बिल्कुल।